जाने दो जाने देंगे। सब ट्रैफिक वाले भैया आ गए हैं, तो इनका फोटो खींच लिया गया है। चलान कट गया। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी मैं हूँ नोएडा में और अभी एक मोटो ब्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अभी ऐसे कोई जाने का प्रॉपर लोकेशन है नहीं, सो हम वैसे जाने वाले हैं सेक्टर 19। आप लोगों की डिमांड आ रही थी मोटो ब्लॉग के लिए, सो दैट्स व्हाई मुझे मोटो ब्लॉग करने पड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन नॉर्मल ब्लॉग करूँ घर में या फिर कहीं बाहर जाता हूँ उसका, और एक दिन मोटो ब्लॉग करूँ। तो आप लोग अपना सजेशन देना कि मुझे क्या करना चाहिए। और गाइस, ठंड में मोटो ब्लॉग करने में हालत जो ख़राब हो जाती है ना, वैसे मैंने जैकेट वगैरह पहन रखा है तो उतनी ठंड तो लग नहीं रही, लेकिन यार हाथों में देख रहे हो अकड़न सी आ रही है यार, हवा डायरेक्ट हाथों पर लगती है। बाकी हेलमेट से शर्ट और जूते वगैरह से सब कुछ कवर रहता है, जैकेट वगैरह से। तो हाथ के लिए ग्लव्स भी लेने हैं, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कर लेंगे, परसों लेंगे, लेकिन पता नहीं कब लेंगे। सो ले लेंगे, जब बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाएगी तब तो उसी दिन आ जाएगा, अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही है, काम चल रहा है सो ले नहीं रहे। सो अभी टाइम हो रहा है 5:26। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में एक मज़ेदार कॉमेडी होती रहती है कि जिस हिसाब से व्यू स्टार्टिंग में आ रहे थे, लोगों के व्यू धीरे धीरे बढ़ते हैं और मेरे धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल जीरो तक पहुंचने वाले हैं। जो कि स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, इतने अच्छे व्यू आ रहे थे, लाइक्स वगैरह सब आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, जो कि एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वैसा वाला सीन हो चुका है। सो पता नहीं यार ऐसा क्यों हुआ है। सो पता नहीं दिल्ली NCR का कैसा मौसम हो रखा है इस बार का। दिसंबर मिड आ चुका है लेकिन वैसी ठंड नहीं आई अभी तक जैसी हर साल आ जाती है। दिसंबर में तो यार दिल्ली में बुरा हाल हो जाता है ठंड में, सो इस बार इतनी ठंड है नहीं। अब बढ़नी स्टार्ट हो गई ठंड, अपने पीक पॉइंट पे जाने में टाइम लग जाएगा। अभी भी इस टाइम तक तो पिछले साल धूम मची हुई थी, क्रिसमस भी आ चुका है लेकिन ठंड नहीं आई है। ठंड आ चुकी है बस वैसी नहीं आई है, मतलब हमें पता है ना कि किस लेवल की ठंड आती है दिल्ली में, तो उस लेवल की नहीं आई है अभी। और हाँ गई, जिसके USB में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, जब से सर्विस पे गई थी, सर्विस पे जाने के बाद इसका USB चार्ज करना बंद हो चुका है, सो इससे चार्जिंग नहीं हो पा रही है। सो एक बार मुझे वापस से लेके जाना पड़ेगा सर्विस पे। उन्होंने पता नहीं कोई वायर वगैरह निकाल दी है या गलती से निकल गई हूँ, जो भी है। आई थिंक पानी वगैरह तो नहीं चला गया, वैसे पानी जाने का कोई सीन तो है नहीं, वैसे बंद वाला ये दिखाएंगे इसको भी। जीतने में 2 मिनट भी लगेंगे, लेकिन मैं इसको बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ। जब ये हमारी बाइक इको मोड पे है, पावर मोड पे आ गई, तो भाई क्या KTM और क्या R15। छोड़ो, वही है ना कि दिखाता नहीं हूँ मैं इनको रेस। वाह यार, बस ऐसी रेड लाइट खुलती रहे तो रेड लाइट खुलती रहे तो 2 मिनट इज इनफ फॉर रीच एवरी डेस्टिनेशन, नॉट एवरी डेस्टिनेशन, सम डेस्टिनेशन। दोस वर एडेड ऑन माई डेली रूटीन कि एक बार तो यहाँ चक्कर मार ही देते हैं।
तो गाइस आप लोगों की फेवरेट बाइक कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे वीडियोस पे, तो ये कि कमेंट्स बढ़ जाएंगे, मतलब मुझे भी आप लोगों की पसंद पता लगेगी। ऐसे यार कौन ही मेरी वीडियो देखता है, क्यों देखोगे भाई, छोटे मोटे ब्लॉगर की वीडियो कौन देखता है। सो गाइस जिस हिसाब की रीच आपकी मोटो ब्लॉगिंग में आती है ना, उसके उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी चाहिए हमेशा। और मेरा जिस दिन ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया तो उस दिन गाइस मैं जेब में डालूँगा पैसे भी कहाँ से लाऊँगा। सो गाइस जेब में डालूँगा क्या डालूँगा, सो गाइस तो जितने ही पैसे होंगे सब लेके निकल जाऊँगा उत्तराखंड के लिए, और वहाँ पे रोज़ बनाया करूँगा मोटो ब्लॉग, वहाँ के मोटो ब्लॉग की और तगड़ी व्यू आएगी, और तब तक घर नहीं आऊँगा जब तक फेमस ना हो जाऊँ। चौक आप लोग सोच रहे होंगे इसका नाम रजनीगंधा चौक क्यों है, सो यहाँ पे रजनीगंधा की फैक्ट्री है और यहाँ से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है रजनीगंधा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त खुशबू होती है, मतलब स्मेल में तो अच्छी लगती है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये गुटखा भी खाता है अच्छी, यार ये गुटखा से मुझे सख्त नफरत है क्योंकि उससे दांत बेकार हो जाते हैं। टाटा पंच की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है ये इसके लाइट्स, बैक लाइट जो कि मस्त मर्सिडीज़ के साइड में आते हैं। जल्दी भाई जल्दी है, भाई को जाने दो भाई, बहुत जल्दी है भाई को, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं लेकिन भाई पे निकल जाएगा। भाई इज़ द बिजनेस मैन यार, सोचते ही नहीं हूँ यार। सो जाने दो जाने दो, सो ट्रैफिक वाले भैया आ गए हैं, तो इनका फोटो खींच लिया गया है, चलान कर दिया। सो गाइस यहीं से हम अंदर से चले जाएंगे वापस घर, यहाँ से अंदर एक शॉर्टकट तरीका है जाने का घर। FM 93.5 बजाते रहो FM। सो गाइस ये RJ नवेद को आप जानते होगे, वो यहीं रहते हैं मतलब यहीं जॉब करते हैं, मैंने उसको उनको कई बार देखा है यहाँ पे उनकी कार में, मर्सिडीज़ है उनके पास, सो वो आते रहते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उनसे मिल के ही जाता, काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर के हैं। और ये है पाले जी की कंपनी, पर यहाँ से हम जा रहे हैं वापस घर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस अब मैं फ़ोन को रखता हूँ जेब में और मिलता हूँ सीधा आपसे घर पहुँच कर। सो गाइस घर जाने पहले रोड खा लेते हैं फिर चलते हैं घर।